तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक की वीडियो में शॉर्ट ट्रेड पर भी फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ, और जो मेरा मेन चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है यहाँ पर लकी शेयर्स, इस पर भी मैंने इससे पहले कभी इस स्टॉक की वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, इस स्टॉक पर ऐसा क्या खास है, मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इससे पहले इस स्टॉक का नाम सुना था या किसी ने इस स्टॉक को बाय भी कर रखा है, क्योंकि इस स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। ठीक है, क्या है वो स्टॉक का नाम जान लीजिएगा पहले। स्टॉक का नाम है गेटवे डिस्ट्री पार्क लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक ज़्यादा पुराना नहीं है, नई लिस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो इसने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है 25 मार्च से अभी तक का इसका डेटा है। ठीक है, 25 मार्च से। अब अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा, प्लस इस स्टॉक को मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, वो भी आप समझिएगा। क्योंकि देखो, अंडर 100 रुपीज़, 100 रुपये से कम का स्टॉक है, और मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है 100 रुपये से कम स्टॉक्स की वीडियो बनानी भी शुरू की थी, बट क्या है कि रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला था, पर यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल सकता है, इसीलिए मैं इस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ। अब मंडे में आपको इस स्टॉक को बाय करना है नहीं करना है, आपका डिसीजन होगा, बट इस स्टॉक के बारे में कुछ अपडेट तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। क्या है कमेंट करके बताइएगा, आपने पहले नाम सुना था या नहीं सुना था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टेक्निकल चार्ट अगर आपको दिखाऊंगा, तो मैंने जैसा कि बोला ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, आप देख सकते हैं ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 68 रुपये के लेवल पर, उसके बाद इसने हाई की अगर हम बात करें तो 87 रुपये का लगाया था, उसके बाद यहाँ पर आप देखें इसमें जो है थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम देखेंगे आप यहाँ पर कम है, पर इस स्टॉक में अब तेज़ी आने के चांसेस बन सकते हैं। कैसे, वही आप समझिएगा यहाँ पर। इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मैं फंडामेंटल, पूरा डिटेल में नहीं, बट कुछ ऐसे पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जिसके बाद से आप इस स्टॉक को बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो आपका डिसीजन है, बट मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के बाद थोड़े बहुत स्टॉक बाय करने में इंटरेस्ट ज़रूर आ जाएगा। सेम सिचुएशन है स्विंग ट्रेड के लिए, नहीं कह रहा हूँ मैं, पहले आपको अपडेट कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड अगर आपको चाहिए तो स्विंग ट्रेड मैं देता हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ ऐसा इंटरफेस है, जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने इसी वीक में तीन स्विंग ट्रेड के लिए कॉल्स दिए हैं, जिसमें एक मंडे में, एक दो दिन पहले और एक उससे एक दिन पहले। ठीक है, तीन कॉल दे चुका हूँ, और अभी लेटेस्ट अपडेट आज या तो हो चुका होगा अपलोड या कल, ठीक है, एक लेटेस्ट अपडेट करने वाला हूँ मैं, जहाँ पर जैसे ये स्टॉक है ना, यहाँ पर जिस स्टॉक के मैं वीडियो बना रहा हूँ गेटवे डिस्ट्री पार्क्स के बारे में, इसी तरह के 5-6 स्टॉक्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकर्स ने बाय रेटिंग दी है, उनका अपडेट में जो है अपने जो इंस्टाग्राम है, ये वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर अपडेट करने वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 6-7 स्टॉक है जहाँ पर बाय रेटिंग मिल रही है फिलहाल, जिसमें से एक स्टॉक ये भी है, अब इसमें बाय रेटिंग मिल रही है, 100 रुपये से कम का स्टॉक है, इसलिए स्पेशली मैंने इसको फोकस किया है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, महंगे स्टॉक नहीं बाय कर पाते, तो कम से कम थोड़ा सस्ता स्टॉक है, इसको बाय करके चल सकते हैं। लेकिन पूरा डिटेल जानने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने इतना बोला और स्टॉक को बाय कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा इसका मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ। अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग तीनों टॉप ब्रोकर हैं, तीनों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइएगा लिंक पर क्लिक करें और डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो जैसे ही आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बताऊँगा आपको, पहले पॉजिटिव बताऊँगा, ठीक है। तो ब्रोकर्स ने इसमें का जो है बाय कॉल दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रोकर्स ने, ICICI सिक्योरिटीज़ ने 102 का टारगेट दे रखा है, शेर खान ने 91 का टारगेट दे रखा है, और इसके अलावा ये तो इसकी वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक टारगेट देखा, यहाँ पर JM फाइनेंशियल ने यहाँ पर 90 रुपये का टारगेट दे रखा है, 90 रुपये, ठीक है, 102 और 91 रुपये, तो यानी कि अगर आप करंट लेवल पर इस स्टॉक को बाय करते हैं जो कि 74 रुपये पर है, तो 90 रुपये तक तो स्टॉक जाएगा ही जाएगा, कम से कम 90 तक तो जाएगा ना, तो 16 रुपये प्रति शेयर का आपको एक दो महीने के अंदर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मिनिमम जो है, और बाकी तो यहाँ पर 100 कितने का है, 102 रुपये का टारगेट है, तो फिर भी आपको 30 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप बाय करके चलते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है, ये चीज़ क्लियर समझिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें मैंने इसको चेक किया तो कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी नजर आई, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मुझे लगा इसमें, जैसे भी मैं आपको पहले कंपनी का काम दिखा देता हूँ, कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी जो है आप देखिएगा यहाँ पर अबाउट अस में जाकर देखेंगे तो सर्विसेज में अगर आप जाएंगे तो सर्विस में आपको नजर आएगा ये सब चीजें, ठीक है, कंपनी क्या काम करती है, कंटेनर यार्ड, कस्टम हैंडलिंग, ठीक है, जर्नल वेयरहाउसिंग, बॉन्डेड वेयरहाउसिंग, मतलब ये सब चीजें जो है, जो कंटेनर होते हैं, कंटेनर तो आप लोग जानते होंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यहां पर, अगर ओवरव्यू पर हम क्लिक करेंगे तो शायद स्टार्टिंग में ही नजर आएंगे यहाँ पर कंटेनर से रिलेटेड, आप यहां पर देख सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है, रेलवे में भी इनका जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम होता है, मैं यहां पर देखा था इसको, शायद मुझे नजर आ जाए कंटेनर
का भी यहाँ पर फोटो आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कंटेनर तो आप लोग जानते ही होंगे होप्सो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो यूज़ होते हैं। और ये कोई अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ठीक है, डोमेस्टिक रेल में है, ठीक है रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, काफ़ी सारे सेगमेंट में काम करता है, रेफर सर्विस है, शिप टू रेल, ये सब चीज़ जो कंटेनर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है ठीक है। और छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये मुंबई में बेस्ड है, लॉजिस्टिक कंपनी है विथ 3 वर्टिकल, ये देखिए कंटेनर डिपोर्ट्स विद रेल मूवमेंट एंड कोल्ड चैन स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स। ये देखिए यहाँ पर आपको फोटो नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये कंटेनर है ठीक है, इनसे रिलेटेड है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होता है। लॉजिस्टिक्स आप समझिएगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो उस सेगमेंट में कंपनी है। अब यहाँ पर इसका फ्यूचर क्या है या नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ठीक है। अभी मैं अगर इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँ तो ये देखिएगा आप, 3,500 करोड़ की कंपनी है ठीक है, 3,500 करोड़ की कंपनी, तो मतलब स्मॉल कैप हो गई। आप ये देखिएगा बहुत छोटी सी कंपनी है, नई लिस्टिंग है, लेकिन डिविडेंड बहुत कमाल का निकाल के देती है और फेस वैल्यू भी देती है इसकी। आने वाले टाइम में आपको जो है लगभग लगभग हो सकता है आपको स्प्लिट वगैरह बोनस वगैरह भी दे दे। अभी तो स्टॉक का प्राइस बहुत कम है इसलिए अभी नहीं देगा, लेकिन आने वाले टाइम में देगा जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जाहिर सी बात है कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है तो प्रॉफिट मेकिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है। ये देखिएगा नेट प्रॉफिट 2012 से अभी तक लॉस नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट और कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट नेगेटिव पॉइंट भी देखिएगा आप यहाँ पर, एक तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगे मार्च 2021 से तो 2022 में अच्छा खासा इसमें कर्ज बढ़ता हुआ नजर आया डेट। हालांकि कर्ज बढ़ना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, क्या पता कंपनी ने कर्ज जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लिया हो, बट जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, फिर भी अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट अच्छी बात भी है। देखो मार्च 2021 में सिर्फ 203 करोड़ के रिजर्व थे, सीधा 1100 करोड़ के रिजर्व 2022 में, कमाल की चीज़ है। सेम सिचुएशन 724 करोड़ के फिक्स एसेट थे, सीधा सीधा 1740 करोड़ के फिक्स एसेट। तो भाई कर्ज तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन आप देखो रिजर्व्स और जो यहाँ पर फिक्स एसेट है वो कमाल के बढ़ते हुए नजर आए। और अगर आप देखेंगे मार्च 2021 में जीरो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया था, हालांकि 2020 में आया था, बट जीरो के बाद सीधा 145 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कहीं ना कहीं तो दम नजर आता है। बट नेगेटिव पॉइंट भी देख लो, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखना अच्छा नहीं होता है। नेगेटिव पॉइंट है प्रमोटर्स के पास सिर्फ 32% का स्टेक है, जो कि अगेन एक थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हमें यहाँ पर आती है। बट इससे हटकर अगर आप देखेंगे 19.5% का स्टेक है FII के पास और भैया 33% का समथिंग का स्टेक है DIA के पास। अब आप खुद सोचो इस तरह की स्टॉक्स में FII DIAs हैं तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पर मौका नजर आता है कि हाँ इस स्टॉक में कहीं ना कहीं रिस्क लेना बनता है, और इसी की वजह से मैं इस स्टॉक में आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो ये पॉइंट और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दे रखी है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग। अब आप बाय करोगे कि नहीं करोगे आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। पब्लिक का क्या ओपिनियन है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है। वॉल्यूम कम आ रहा है कोई बात नहीं है, और इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर 60% है, बहुत ज़्यादा बाय रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैक्सिमम बाय रिकमेंडेशन है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस स्टॉक को बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बाय करके चलिएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगाइएगा क्योंकि स्टॉक आपको वॉलेटाइल चलेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है स्टॉक वॉलेटाइल चलेगा और आपको परेशान कर सकता है। तो इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं, 100+ का आपको टारगेट दिखा सकता है, अभी भी 25 रुपये प्रति शेयर का कम से कम आपको टारगेट दिखा सकता है आने वाले 3-6 महीने में। अब अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक ढूंढते हैं तो भाई देखो स्विंग ट्रेड के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। और स्टॉक सस्ता है, महंगा नहीं है, लेकिन अगर आपको इससे भी सस्ता स्टॉक चाहिए, हमें 5-10 रुपये वाला है, कुछ पैसे वाला 40-50 पैसे वाला, तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन नजर आ रहा है, इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इस तरह के स्टॉक्स मिलेंगे जो 40 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये वाले, जहाँ पर आप कम से कम रिस्क वाले स्टॉक, जहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है। तो फिलहाल आप इस स्टॉक के बारे में क्या अपनी राय पेश करना चाहेंगे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आपने इस स्टॉक का नाम पहले सुना था या नहीं सुना था वो भी कॉमेंट करके बताइएगा ठीक है। आप इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी बाय करना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा देना है, सस्ता स्टॉक है और थोड़ा सा हमें इसमें बाय रेटिंग मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पैसा लगा देना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिखा चुका हूँ जहाँ पर ब्रोकर्स ने बाय रेटिंग दी थी बट वो स्टॉक नीचे की तरफ गया। तो ज़रूरी नहीं, गारंटी नहीं होती है किसी चीज़ की, बट मौका मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन है। अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे आप कॉमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, 30,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने बहुत जल्दी से, तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।